नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनविंदर और मेरे चैनल एमबी स्पीक्स पे आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मैं ही नहीं, आप भी देख रहे होंगे कि सोशल मीडिया पे लोग हिल्स पे जा कर के अपने फोटोज़ वगैरह डाल रहे हैं और बता रहे हैं कि वो एंजॉय कर रहे हैं। उनका ये भी कहना है कि तीसरी वेव आने से पहले वो मैक्सिमम एंजॉय करना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है आने वाले दिनों में उनको एंजॉय करने को ना मिले। लेकिन अगर आप गौर से देखें, गौर से सोचें, तो ये जो हिल्स पे होटल्स में रूम नहीं मिल रहे हैं, पार्किंग में जगह नहीं मिल रही है, और लोग स्विमिंग पूल में जा कर के अपने फ़ोटो अपलोड कर रहे हैं, ये सब तीसरी लहर को बुलावा देने वाली ही तो बात है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार यानी कि आज पूर्वोत्तर राज्यों में कोरोना के हालात पे चर्चा की है, और इसमें असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड और वहाँ के मुख्यमंत्री शामिल हुए हैं। इस दौरान मोदी ने संभावित तीसरी लहर पे काफ़ी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि हिल स्टेशन मार्केट में बिना मास्क और प्रोटोकॉल को नज़रअंदाज करके भारी भीड़ का उमड़ना ठीक नहीं है, ये हमारे लिए चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी अंडरलाइन किया कि कुछ लोग सीना तान के बोलते हैं कि तीसरी लहर आने से पहले इंजॉय करना चाहते हैं। लोगों को ये समझना होगा कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी, आप खुद लेकर के आ रहे हैं उसको इंजॉय के ज़रिए। सवाल ये होना चाहिए कि इसे कैसे रोकना है और प्रोटोकॉल का पालन कैसे करना है। कोरोना अपने आप नहीं आता है, कोई जा कर के ले आए तो आता है। हमें सावधानी बरतनी होगी, तभी हम तीसरी लहर को रोक पाएंगे। और जो उन्होंने कोरोना की रिव्यू मीटिंग की, उसमें कुछ खास बातों पे उन्होंने जोर दिया। मसलन उन्होंने ये कहा कि वायरस के हर वेरिएंट पे नज़र रखनी होगी, और संक्रमण को रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पे जा करके सख्त कदम उठाने होंगे। उन्होंने संक्रमण जो वेरिएंट है उसको बहरूपिया बताया और कहा कि ये बहरूपिया बार बार रंग बदल रहा है, म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस पे एक्सपर्ट्स स्टडी कर रहे हैं। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट दोनों ही बहुत ज़रूरी है, इस पर हमें अपना फोकस करना होगा। वायरस का प्रहार, 2 गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवरेज के आगे फीका पड़ जाएगा। दूसरी बात, हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह रहे थे कि उन्होंने 6000 से ज़्यादा माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए हैं, इसमें जिम्मेदारी तय होगी, और माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर जितना जोर लगाएंगे हम इस परिस्थिति से, उतनी ही जल्दी बाहर आ सकेंगे। पिछले 1.5 साल में जो भी एक्सपीरियंस किया है उनका इस्तेमाल करना होगा। और राज्यों और ज़िलों में कई इनोवेशन किए गए हैं, उन्हें जारी रखना होगा, उन्हें लगातार उनका सिलसिला बना के रखना होगा। एक्सपर्ट बार बार चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही और भीड़भाड़ से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है, और ज़रूरी है कि हर स्तर पे, हर कदम पे गंभीरता रखी जाए। अधिक भीड़ वाले जो कार्यक्रम रुक सकते हैं उन्हें रोकना चाहिए। केंद्र को सबको मुफ्त वैक्सीनेशन मुहैया कराया जा रहा है, और तीसरी लहर के लिए वैक्सीनेशन को तेज करना होगा। सेलिब्रिटी, धर्म, शिक्षा और हर क्षेत्र से जुड़े लोग वैक्सीनेशन के लिए लोगों को जागरूक करें। उन्होंने जो रिव्यू मीटिंग हुई उसमें नए हेल्थ पैकेज का भी जिक्र किया, टेस्टिंग और ट्रीटमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे चलना चाहिए, ये उन्होंने कहा। और कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपए का नया पैकेज दिया है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में मदद मिलेगी, और जहाँ केस बढ़ रहे हैं वहाँ ICU बेड बढ़ाने में मदद मिलेगी, ऑक्सीजन पे काम करना होगा। और देश भर में ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट के लिए 150 प्लांट स्वीकृत हुए हैं, ये जल्द पूरे होने चाहिए, इनमें बाधा नहीं आनी चाहिए, और स्किल्ड मैन पावर को भी तैयार किया जाना चाहिए। भूगोलिक स्थिति को देखते हुए अस्थायी हॉस्पिटल्स बनाने बहुत ज़रूरी हैं। और इस रिव्यू मीटिंग ने
ट्रेंड मैन पावर की जरूरत पे भी जोर दिया गया, जो प्रशिक्षित हो ठीक तरीके से और आईसीयू बेड, ऑक्सीजन बेड, नए हॉस्पिटल के लिए मैन पावर हो, और इनसे जुड़ी हुई जो भी मदद होगी वो केंद्र सरकार देगी। पूरे देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट रोजाना करने की क्षमता हासिल हो चुकी है और नॉर्थ ईस्ट के हर जिलों में टेस्टिंग की क्षमता बढ़ाना होगा। रैंडम टेस्टिंग के साथ अग्रेसिव टेस्टिंग भी करनी होगी। तो दोस्तों, कुल मिला के जो बात है वो यही है कि बार बार जब भी कोई एकदम से वेव आती है, हमने पहली बार देखा, वो हमारा एक पहला एक्सपीरियंस था, लेकिन जो दूसरी वेव आई हमने उससे भी कुछ सीख नहीं ली है। हम बार बार कोरोना का जो प्रोटोकॉल है उसे तोड़ रहे हैं और नतीजतन सरकार को लॉकडाउन करना पड़ता है। क्यों नहीं हम लॉकडाउन अपने यहाँ लगाते? हमें ये पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है, कैसे, किस स्थिति में हमको बाहर जाना ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी हो तभी हम बाहर जाएं, और जब हम बाहर जाएं तो पूरी सावधानी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ जाएं, और जब बहुत ज़रूरी हो तभी हम बाहर जाएं, और उस समय जब हम बाहर निकलें तो पूरे कोरोना का प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करें। फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।